नमस्कार दोस्तों दोस्तों मशीन में तेल देने का सही तरीका क्या है, इस प्रकार यहाँ से शुरुआत करेंगे। गज में तेल डालेंगे, आप आधे पुर्जे में तेल देते हैं और आधा सूखा रह जाता है, इसीलिए आपकी मशीन खराब होती है। और ये दो सुराख है ना जो नत्थी के ऊपर, इनमें तेल डालने से पहले नत्थी ऊपर होनी चाहिए ना कि नीचे, ताकि जो गोली है वो ऊपर आ जाए और तेल अच्छे से डल जाए इस प्रकार। और यहाँ तेल देने के बाद दोस्तों यहाँ भी तेल देना होता है, जो हमारा घोड़ा है ये घस जाता है, यहाँ तेल देना जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ भी तेल देना जरूरी है, जहाँ जहाँ पुर्जे घसेंगे हमारे, जहाँ जहाँ मशीन घूमेंगे वहाँ तेल देना जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पर भी तेल देना जरूरी होता है, हमें ये जो पटड़ी है खोल करके इस प्रकार जहाँ ये पुर्जे घूम रहे हैं वहाँ तेल देना बिल्कुल जरूरी है। वैसे तो ऊपर से भी तेल इनके अंदर आ जाता है यहाँ से, लेकिन क्या कि कई बार सही नहीं तेल जाता, तो इस प्रकार यहाँ तेल दें। ऊपर चार सुराख है, इन चारों में तेल दे लें। और जो मोटर की सापट घूम रही है ना, यहाँ पर भी तेल देना जरूरी है, थोड़ा यहाँ पर भी तेल डाल दें। और जहाँ बील घूम रहा है वहाँ पर भी तेल दें। और यहाँ इधर की साइड जहाँ से हम इसको चाल को नन्नी मोटी करते हैं, ये भी यहाँ से घूम रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ भी तेल देना जरूरी है। यहाँ सभी जगह तेल हो गया है। अब नीचे तेल कहाँ कहाँ देना है आपको दिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप मशीन को घुमाकर देख लें इस प्रकार से कि कहाँ कहाँ तेल की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ पुर्जे घूम रहे हैं। यहाँ सीटल में तेल देना जरूरी है, यहाँ नाल के अंदर तेल देना जरूरी है, यहाँ पर पुर्जा घूम रहा हमारा, इस गोली में तेल देना जरूरी है। और हमेशा अच्छी क्वालिटी का तेल यूज करें दोस्तों, लोकल तेल मशीन को खराब कर देता है, चिकनाई नहीं होती। अगर अच्छे से मशीन में तेल दिया जाए तो मशीन आपकी बिल्कुल हल्की चलेगी और कभी भी खराब नहीं होगी, सालों साल चलेगी। अच्छे से खूब तेल में गच कर दें इसको दोस्तों। तेल देने के बाद मशीन को चलाकर चला लें थोड़ा, ताकि जो तेल दिया है वो अच्छे से पुर्जों में रमा हो जाए, और एक्स्ट्रा तेल है वो मशीन बाहर फेंक दे, ताकि आपका कपड़ा खराब ना हो।